So, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हो? Not bad, not bad. Now you. Hello guys, welcome So, बहुत दिन के बाद आ रहा है व्लॉग, ठीक है, क्योंकि एक इशू हो गया था चैनल पे, एक स्ट्राइक आ गया था, तो इस कारण से मैंने व्लॉग नहीं डाला. मैं स्ट्रीम कर रहा था, एक दो स्ट्रीम किया और जिस व्लॉग पे स्ट्राइक हुआ तो वो तो डाउन हो ही गया. उससे सिमिलर एक और व्लॉग था तो मैं उसको ये कर दिया, खुद ही प्राइवेट कर दिया हूँ, क्योंकि और अगर दो स्ट्राइक आ जाएगा तो इश्यू हो जाएगा, अपने चैनल तो खत्म चला जाएगा, चैनल कदम लड़ा बह हो जाएगा. तो बाकी और कुछ नहीं है, बाकी बहुत दिन बाद आए ब्लॉग लेके. और एक चीज है कि अपन अभी एक स्केच पे काम कर रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो. ये ब्लॉग आने के 4-5 दिन के अंदर स्केच भी आ जाएगा, वो भी कुछ न्यू ट्राई कर रहा हूँ, आई होप आपको वो भी पसंद. और बाकी चैनल का रीच बहुत गिर गया, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप सब लोग, ठीक है. तो चलो करते हैं कंटिन्यू आज का व्लॉग. और आज का फेवरेट सेगमेंट है, आज का सेगमेंट मतलब जो आज का जो व्लॉग का सेगमेंट है वो है फेवरेट ड्रैगन भाई का. तो देखना थोड़ा सा, ठीक है. तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, बाय. और देखो आज लंच में बढ़िया बढ़िया ओट्स विद ब्लैक पेपर और कुछ वेजीज है. बस करते हैं इसको खत्म करते हैं खाना, फिर आपको दिखाता हूँ छत का क्या मामला है आज. सो ये देख लो, ये सामने का विंडोज और यहाँ पे बालकोनी का वो हो चुका है, मतलब जो बनना है, क्या बोलते हैं उसको, लेंटेन आई थी. और ये देखो ये रहा, ये चीज़ मतलब मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ काम बचा है. तो चलो और यहाँ से व्यू देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना, एक्सपोजर कम के देखो क्या बढ़िया है. ओके सभी अपन आए एक शॉप जहाँ पे अपन देखेंगे टाइल्स घर के लिए. तो चलो चलते हैं ऊपर फ्लोर, उनका टाइल्स है सब है. ऐसा ठीक है ना, ये वाला भी अच्छा है, ये डबल चार्ज का मानता है, ये अभी नहीं आ रहा. अरे ग्लोजी में और कुछ ऐसा है क्या? ग्लोजी में, ग्लोजी में हाँ आएगा, आएगा ना, रेड में आएगा. ग्लोजी दी मना, हम लोग ग्लोजी इसमें रख देंगे हॉल में, हॉल में बढ़िया लगेगा. ये भी ठीक लग रहा, पीछे जो है मतलब वॉल में लगाने के लिए. नहीं ये कलर देखो, ये वाला ये भी मस्त लग रहा. जोड़ो बाबू, ये भी ग्लोजी में ही है ना, ये वाला भी सब ग्लोजी है. बैकग्राउंड मिरर, बट यहाँ पे रोज आ गया है, नहीं तो ले लिए होते. ये रहा मिरर, यहाँ पे एक और है, बट इसमें ट्री आ गया. अपने को प्लेन चाहिए फिर ये, बाकी ये बढ़िया लग रहा है. मैं सोच रहा ये वाला फ्लोर में सही लगेगा, ये वाला, ये एक अच्छा लग रहा है. और एक है ये बढ़िया. सो गाइस आ गया मैं घर, मतलब टाइल्स की दुकान से आ गया, टाइल्स अपन सेलेक्ट कर लिया कौन सा था. तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग एक जब लेंगे लेके आएंगे तब बताएंगे. और इस मेजरमेंट का वेटिंग, हम लोग गए थे देखने के लिए कैसा कैसा टाइल्स है, तो टाइल्स तो बढ़िया था, बाकी वो हो गया. अब घर आ गया, अब अपन बनाते हैं सैंडविच. तो कौन सा सैंडविच हो रहा है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट अब देखिए मैं कौन सा बना रहा हूँ, ठीक है. और इसमें मैं पूरा रेसिपी के साथ बताऊंगा, जैसे पिछले मैं रेसिपी नहीं बताया था मैरिनेशन का, इस बार वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ बताऊंगा. तो चलो चलते हैं किचन में. सो गाइस यहाँ कटिंग वटिंग हो चुका है, पनीर को मैंने काट लिया ब्लॉक्स में, या ब्लॉक्स में काट लिया. यहाँ पे ऑनियन भी काट चुके हैं, यहाँ टोमेटोज काट चुके हैं, अब इसको मैरिनेट करते हैं. अच्छा कैप्सिकम नहीं है, कैप्सिकम मैं सोचा था लूंगा बट भूल गया था. तो मैरिनेट करते, मैरिनेट के लिए इसमें क्या क्या यूज करते हैं मैरिनेट. तो मैरिनेट करने के लिए पहले लेंगे सॉल्ट, राइट से डालते हैं सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, फिर फ्लेवर और आएगा. सॉल्ट डाल देते हैं, आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो हल्का सा आप रेड चिली भी डाल सकते हो, आप खाते हो ना रेड चिली. फिर उसके बाद डालते हैं अपन कांगिया मियोनीस या मायोनीस जो बोलना है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि मेन यही है. यहाँ मायोनीस डाल दिया, लाइटली डालेंगे रेड चिली, कलर भी आएगा, हल्का फ्लेवर भी आएगा, स्पाइसीनेस आएगा. ये अपन डाल दिया रेड चिली, खोलना पड़ेगा. ये है ग्रीन चिली सॉस, ये दिख रहा है, ये ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, इसको पहले खोल लेते हैं.
बस मैं थोड़ा अलग बना रहा हूँ, ठीक है? अच्छा देखे होंगे यूट्यूब बहुत वीडियोस है, वो अलग बनाते हैं, सबका फ्लेवर अलग होता है, तो ये मेरा पसंद है। और ये क्या ना, ये मतलब हम बाद में डालेंगे, यहाँ पे हल्का डाल लेते हैं कि फ्लेवर एनहेंस होता है मैरिनेशन के साथ में, अच्छा होता है। अब इसमें डालेंगे टोमेटोस, अनियन इसमें नहीं डालूंगा, अनियन इसलिए इसमें नहीं डालूंगा ताकि जो अनियन के ना जो रॉ फ्लेवर होता है वही आना है, तो ये डाल दिया। उसके बाद चाट मसाला, सबसे इम्पोर्टेंट चाट मसाला, चाट मसाला थोड़ा चटपटा आएगा तो इसको डाल, इसको बाद में डालेंगे अपन, अभी डालते फिर बाद में डालेंगे। ये हुआ, फिर चाहिए तो आप हल्का सा टोमेटो केचप भी डाल सकते हो। इसके बाद ये टोमेटो केचप हल्का, मैं बताया मैं जो बना थोड़ा अलग टाइप का बना दे, पिछला वीडियो में यही हुआ था कि मैं आपको इंग्रीडियंट से बता नहीं पाया था, तो ये डालें, अभी और भी जाएगा इसमें, बट पहले इसको मिक्स करते अच्छे से। ले लिया स्पून, करते मिक्स, बस इसको करके फिर आपको मिलता हूँ। सो यहाँ पे हो गया है, मतलब मिक्स कर लिया है मैंने, तो ये देख लो मैं टोमेटो से मिक्स किया है, टोमेटो इसलिए मिक्स किया है टोमेटो में थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, अनियन इसलिए मैं डाल, अनियन डाल सकते हैं आपको अगर अनियन डालना है, लाइट से अनियन डाल देंगे। मैंने इसको थोड़ा छल्लेदार टाइप का इसको काटा है, छल्ला छल्ला टाइप का अनियन होता ना, क्योंकि मैं इसको जो डायरेक्ट ब्रेड में डालेंगे। तभी हम बनाने जा रहे हैं चीज पनीर कॉर्न ब्रेड, मैंने नाम दिया, ठीक है, ऐसा नाम कुछ है नहीं, मैंने बस नाम दे दिया। ये हो गया मिक्स, अभी इसको थोड़ी देर रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया स्वीट कॉर्न, इसमें अब इसको करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, इसको करते हैं मिक्स, और इसको रख देंगे कुछ मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए रेस्ट होने को, ताकि जो भी इसमें स्पाइसेस वगैरह है, जो भी फ्लेवर्स है, अच्छे से पकड़ ले, ठीक है। तो तब तक अपन रेडी करते अपने ब्रेड को, ठीक है, तो मिलता हूँ आपको एक मिनट में। तो मैंने यहाँ ले लिया एक नॉर्मल स्लाइस ब्रेड जो होता है, ये स्लाइस ब्रेड वही ले लिया, ब्राउन ब्रेड वगैरह नहीं लिया, ब्राउन ब्रेड का क्या होता है टूट जाता है, मैंने पहले भी बनाया टूट जाता है, तो ये ले लिए हैं दो स्लाइस, इसको बनाते हैं और बाकी भी बनाएंगे। ये ले लिए, इसमें डालेंगे अपन मायोनीज फिर से बेस के लिए, ये नॉर्मल सा डालेंगे इसके ऊपर मायोनीज का, और एक लेंगे और एक ब्रेड पे भी डालेंगे नॉर्मल, ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें अपन मायोनीज यूज़ की है। तब क्या करें, तो इसमें अपन थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे फ्लेवर के लिए, और कुछ डाल दिए, रेड चिली हल्का सा, तो इसका बेस बनाएंगे और कुछ नहीं, बस अब इसको मिला देते थोड़ा, क्योंकि अपने उस मैरिनेटेड पनीर में तो सब कुछ है ही, तो इसमें अपने को बस एक पोर्शन में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ये करना है। ये हो गया, थोड़ा ओरेगानो लेते हैं, हल्का सा ओरेगानो छिटकते, हमने ओरेगानो डाल दिया, फिर अब रखेंगे अपने अनियंस, छल्लेदार अनियंस, ये देखो पूरा छल्ले छल्लेदार, इसको लेते हैं रखते हैं, हो गया अनियंस का काम। अब हल्का सा चाट मसाला, मैंने बोला था ना चाट मसाला और भी आएगा, बस और क्या। अब अपन लेंगे अपने मैरिनेटेड स्टफ को, इसको करेंगे स्टफिंग, ज्यादा भी मत भर दीजिएगा, ज्यादा बनने से बाहर आ जाएगा। ये हो गया अपना काम, ये है यहाँ पे चीज, इसको मैं काट लेता हूँ, काट के सो यहाँ आगे चीज को मैंने छोटे छोटे ब्लॉक स्टेप में काट लिया, जैसे आपने देखा होगा मेरे एक पिज्जा वाली वीडियो में, मैं स्लाइस टाइप डालता हूँ, उसको घसता नहीं हूँ, बस इसको डालते हैं अपन इसमें, चीज बनाए चले ज्यादा चीज क्लोज। अगर आपके यहाँ पे भी केचप वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर ऊपर में जैसे कि अगर आपको चाहिए, ये करेंगे क्लोज, करेंगे इसको प्रेस। अब चलते हैं ओवन में, ये लिए रखेंगे, अभी फिलहाल एक बना रहे हैं, बाकी और भी आप बना सकते हो, रख के
क्लोज करते हैं और यहाँ पे टाइमर फिक्स करते हैं, ठीक है। तो टाइमर आप अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रिलिंग का है, मैं ग्रिलिंग में जाऊँगा, ग्रिल में जाके इसको मैं करता हूँ मिनिमम 50 सेकेंड्स, फिर देखते हैं उसके बाद। चलो स्टार्ट हो गया। The next day. So I think बन चुका है। निकल मम्मी, ये देखो क्या बढ़िया बना है। चलो निकालते हैं। सैंडविच खाना तो हो गया, बहुत बढ़िया था। और ये अपन एंजॉय करें ट्रिवन भाई की चिल्ड स्ट्रीम, मज़ा आ गया। और ये स्ट्रीम ख़त्म करके करते अपने व्लॉग को भी ख़त्म आज का। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।